हेलो माय डियर किड्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फाइन टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज द नेम ऑफ द बुक इज मैथमेटिक्स वर्ल्ड प्री प्राइमर टुडे वी विल स्टार्ट आर चैप्टर नंबर नाइन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर नाइन और चैप्टर का क्या नाम है फ्रैक्शन तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों फ्रैक्शन होता है कोई भी एक चीज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स करना कि हमारे पास कोई एक चीज है हम उसके क्या करेंगे डिफरेंट पार्ट्स करेंगे तो जो हम डिफरेंट पार्ट्स करते हैं उसे हम क्या कहते हैं फ्रैक्शन तो स्टार्ट करते हैं सर्कल द पिक्चर वेयर हाफ हैज बीन कलर तो हमें वो पिक्चर को कलर करना है जो क्या है हाफ कलर है हाफ का मतलब कि एक पूरी पिक्चर दी हुई है उसमें से हाफ मतलब आधी पिक्चर में कलर हो रखा है तो हमें इनमें से उस पिक्चर को क्या करना है सर्कल करना तो सबसे पहली पिक्चर हम देखेंगे उसमें क्या है पूरी पिक्चर में कलर किया हुआ है एंड द नेक्स्ट वन एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल को हाफ क्या किया हुआ है कलर किया हुआ है और हाफ ब्लैंक छोड़ा हुआ है तो so हम इस पिक्चर को क्या करेंगे सर्कल करेंगे क्योंकि इसमें हाफ में कलर है और हाफ ब्लैंक है द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ स्टार स्टार में पूरे स्टार में कलर है क्या है पूरे स्टार में कलर किया हुआ है द नेक्स्ट वन इज अगेन द पिक्चर ऑफ सर्कल इसमें क्या है इसमें हाफ सर्कल में कलर है और हाफ क्या है Blanked है ब्लैंक तो हम इसको क्या करेंगे सर्कल करेंगे. क्यों किया हमने सर्कल इसको क्योंकि इसमें हाफ कलरिंग पार्ट है और हाफ पार्ट ब्लैंक है नेक्स्ट द पिक्चर ऑफ स्क्वायर स्क्वायर में कितने बॉक्सेस हैं फोर बॉक्सेस है लेकिन इसमें सिर्फ एक बॉक्स में कलर है और कितने बॉक्स ब्लैंक है थ्री ब्लैंक है तो इसका मतलब इस पिक्चर में हाफ में कलर नहीं है The next picture is of triangle. और triangle में हाफ पिक्चर में कलर है और हाफ पिक्चर क्या है ब्लैंक है सो विल सर्कल एट तो हमने क्या किया इसको सर्कल किया तो इसमें हमने क्या सीखा कि हाफ कैसे होता है कि एक पिक्चर दी हुई है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और क्या किया गया है हाफ में कलर है और हाफ पिक्चर ब्लैंक है तो चलिए नेक्स्ट कलर हाफ ऑफ ईच ऑफ द गिवन शेप यहां पे कुछ शेप दी हुई है आपको क्या करना है उसके हाफ में कलर करना है तो देखिए एक रेक्टेंगल की पिक्चर है और उसमें क्या है टू बॉक्सेस हैं तो आपको क्या करना है आपको उसके हाफ में कलर करना है मतलब आधे पार्ट में कलर करना है और आधा पार्ट आपको ब्लैंक छोड़ना है सेम देयर इज अ पिक्चर ऑफ सर्कल एंड इट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स ये दो पार्ट्स में डिवाइड है आपको भी क्या करना है इसके हाफ में कलरिंग करनी है और हाफ ब्लैंक छोड़ना है नेक्स्ट टू यू विल डू बाय योरसेल्फ नाउ द टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन कलर 1/3 ऑफ द गिवन शेप कि एक शेप दी हुई है उसके 1/3 पार्ट को आपको कलर करना है 1/3 पार्ट मतलब कि एक पिक्चर है उसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसके एक पार्ट में आपको क्या करना है कलर करना है यहाँ पे एक रेक्टेंगल की पिक्चर है वो इक्वल थ्री पार्ट्स में डिवाइड है तो आपको उसके एक पार्ट में अपनी चॉइस का कलर करना है नेक्स्ट देर इज अ पिक्चर ऑफ सर्कल इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट नाउ वट यू हैव टू डू यू हैव टू कलर वन पार्ट ऑफ द पिक्चर आपको उसके एक पार्ट में कलर करना नेक्स्ट यू विल डू बायर सेल्फ सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट फ्रैक्शन इस चैप्टर में हमने क्या सीखा बच्चों हमने सीखा फ्रैक्शन क्या होता है हमने हाफ फ्रैक्शन सीखा कि एक पिक्चर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हाफ कलर्ड है और हाफ ब्लैंक है सेम ऐसी वन थर्ड ऑफ द पिक्चर सीखा हमने कि एक पिक्चर को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हमने क्या किया उसके वन थर्ड पार्ट को कलरिंग करी आई होप यू लाइक दिस चैप्टर अगेन वी विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो टिल दैन थैंक यू